भी क्या करते हैं, नेट को पूरा ही फाड़ देते। ओ भाई निकल गया। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ हार्डवेयर शॉप, ठीक है। ये है भाई हमारे यहाँ की हार्डवेयर शॉप। और दोस्तों आज हमें मतलब कल हमने क्या किया था यार, तो दोस्तों कल हमने हमारी जो टंकी है उसे अच्छे से क्लीन कर दिया था यार, ठीक है। तो दोस्तों हार्डवेयर शॉप में क्यों आया हूँ, तो हमें ये वाले ब्लॉक लेने यार, ठीक है। हमारी जो टंकी ना, ये टंकी के नीचे में ये ब्लॉक रखने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिखने वाला है। वैसे मैं आयरन वाला स्टैंड बनाने वाला, बट आयरन वाला स्टैंड है ना भाई, इतना अच्छा नहीं दिखने वाला है, और आयरन वाला स्टैंड ऊपर लेके जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली, ठीक है। तो इसी की वजह से हमने प्लानिंग की है यार ये वाली चीज हमारे टंकी के नीचे परफेक्ट रहने वाली, ठीक है। तो इसमें से मैंने 12 ब्लॉक ले लिए हैं और 12 ब्लॉक हम नीचे रख देंगे। चलो यार अगली स्टेप में आपको जल्दी जल्दी बोलता हूँ, अभी मैं बुक करवा लेता हूँ 12 ब्लॉक। तो दोस्तों अभी हमारे जो ब्लॉक है वो आ चुके हैं, इनको जल्दी जल्दी मैं उतार लेता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे हमारा पहला ब्लॉक ऊपर लाया, और देखो यार हमारा सिम्बा, मतलब इसको मैं जो न्यू चीज लाता हूँ ना, इसको हर एक चीज में यार इंटरेस्ट ही रहता है। ये देखो इसे पूरा सूंघता है भाई, ये क्या चीज है, ठीक है। अरे यार कुछ नहीं यार, ये सिर्फ है ना यार हमारे एलिगेटर गार का है, ठीक है भाई, टंकी के नीचे रखना है सिम्बा। दोस्तों मैं तो ब्लॉक यार सारे लेके आ गया, बट मैंने यार हमारी टंकी का क्या हाल है वो देखा ही नहीं यार। चलो अभी मैं ऊपर जाता हूँ और टंकी भी देख लेते हैं यार। ये देखो सिम्बा, सिम्बा तो ऊपर ही रहता है। ए ध्रुव ऊपर आ जल्दी, ऊपर आ। ओ ये देखो भाई, कल हमने ये टंकी को धोया था दोस्तों, और अभी तो ये पूरी सूख गई है, ये देखो भाई। चलो भाई अभी दोस्तों ये हमें ना नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। पहले ना ध्रुव अपने को लोकेशन डिसाइड कर लेना होगा यार, ये टंकी कहाँ लग रही है, ठीक है ना यार। दोस्तों हमने ना सोचा ही नहीं कि भाई हमारी टंकी कहाँ रखने वाले हैं, ये सोचा है कि भाई हमारी टंकी इसी रूम में रहने वाली है, बट ये कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, कहाँ पे रहेगी, हमने सोचा ही नहीं, ठीक है ना। अभी हम अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे हमारी बहुत सारी मॉन्स्टर फिश आने वाली है यार, ठीक है ना। उनको सारे को रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना यार। वहां से पकड़ ध्रुव, हाँ एक मिनट, ओके कितना आ रहा है, ले उधर 6 फीट के ऊपर ही आएगा, 6 फीट आ रहा है ना, ओके। तो दोस्तों हमने अभी सोच लिया है हमारा एलिगेटर गार कहाँ रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों अभी सोचा जाए तो उसकी जो टंकी बहुत बड़े साइज की, ठीक है। तो दोस्तों हमने ऐसा सोचा है कि यार ये वाला जो टेबल है ना, ये ऐसे जाने वाला है, क्योंकि इस वाले टेबल पे दोस्तों एक बड़ा सा टैंक आने वाला है। एक दो दिनों पहले मैंने बोला था कि यार इस टेबल पर हम एक बड़ा सा मॉन्स्टर टैंक बनाने वाले हैं, ठीक है। शायद से रिवर फिशिंग का भी टैंक बना सकते हैं, पता नहीं यार, ठीक है। अभी डिसाइड नहीं किया कौन से फिश में रहने वाले, सिर्फ इतना डिसाइड है कि यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक आने वाला है 6 फीट का। तो दोस्तों अभी हमारा जो एलिगेटर का टैंक है तो वो तो यहाँ पे रहने वाला है, तो हम ये वाला टैंक कहाँ रखे यार, ठीक है ना, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों हमने इसको भी एक अच्छा हाल निकाला है। अभी हमारे जो रिवर फिश जिस टैंक पे रह रही है ना दोस्तों, तो वो वाला जो टैंक है वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और उस टैंक में हमारी सारी ये वाली बेबी ऑस्कर रहने वाली है, ठीक है। इनको मैं बड़ा टैंक देने वाला था, बट अभी हमारे पास तो इतना बड़ा टैंक नहीं यार, और अभी ना इनकी ग्रोथ भी बड़ी बड़ी हो रही है यार, ये वाला टैंक इनके लिए छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार वो वाला जो टैंक है यहाँ पे रख दूँ, वो बहुत बड़ा टैंक है यार, और वहाँ पे हमारी ये सारी ऑस्कर रहने वाली है। और जो रिवर फिश है दोस्तों वो कहाँ जाएगी यार, तो हमने उसका भी हल निकाला है। तो रिवर फिश हमारी सिकलेट के साथ रहने वाली, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या करते दोस्तों, ये वाला टैंक हम खाली कर देते हैं पहले, खाली करने के बाद हम ये टैंक वहाँ पे शिफ्ट कर देते, और ऑस्कर फिश कल या परसों में हम वो शिफ्ट कर देंगे, जैसा हमें टाइम मिलता है वैसे वैसे करते यार। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं सारे रिवर फिश इसमें से निकाल ले, हाँ तू निकाल ले, टैंक खाली करने का देख लो, ठीक है चलेगा। मैं तो क्या बोल रहा ध्रुव, अभी तू फिश है ना, ये थोड़ा पानी यहाँ से निकाल ले, और यही पानी अपन वहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ना हमारा जो सिकलेट का टैंक का वाटर कम हो रहा है, ठीक है। और ये जो वाटर है ना, ये सारा वाटर हम प्लांट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये टैंक इसे खाली वहाँ पे पड़े देंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे पानी भर के ऑस्कर ऐड कर देंगे। दोस्तों अभी मैं हमारे ये प्लांट्स को पानी दे रहा हूँ, ठीक है। ये अभी पानी कहाँ से आ रहा है, ये हमारे डायरेक्ट रिवर फिश टैंक से पानी आ रहा है। तो दोस्तों हमने हमारा जो रिवर फिश टैंक है पूरा खाली कर दिया, और यहाँ की सारी फिश मैंने पकड़ ली, ठीक है। और बाकी फिश का क्या हुआ यार, ये देखो यहाँ पे एक होल है, आपको दिखाता हूँ मैं यार, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उस होल के नीचे यार चली गई यार सारी फिश, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत बन गई। तो ध्रुव अभी तू क्या कर, जो फिश है ना यहाँ पे जो पीछे निकल गई है ना, तो उनको सारे के निकाल दो, ठीक है। तो पहले हम उधर रख देते हैं भाई, हाँ ठीक है ना, तो उसी वजह से चलेगा, ठीक है। फिर ये देख यार यहाँ पे भी टूट गया यार हमारा टैंक, देखो यार दोस्तों। अरे यार यार हमने ये सोचा भी नहीं था यार इतना बड़ा टैंक है दोस्तों। ये देखो यार इसकी साइज देखो, और इसकी साइज देखो यार, भाई साहब वहाँ पे बहुत छोटा लग रहा था यार ये टैंक, और यहाँ पे आते ही भाई ये पूरी वॉल इसने कवर कर ली, और पहले से ज्यादा कई मुकाबले ये अच्छा दिखने वाला है। और यहाँ पे तो भाई ऑस्कर फिश तो भाई पता ही आपको, ठीक है ना यार,
ठीक है। तो ध्रुव अभी अपन ऑस्कर फिश छोड़ने से पहले इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। तू यार यहाँ की फिश निकालना यार, देख यहाँ पे दिख रही, देख मुझे देख आ गई, देख पकड़ उनको, पकड़ पकड़ पकड़। तो दोस्तों हमारे जो रिवर फिश है ना, मैं अभी इनको पकड़ कर छोड़ देता हूँ। भाई ये तो बड़े एक्टिव है। जो भाई ये देखो, ये हमारी बड़ी वाली चिलापी दोस्तों, जो कि अभी हमारे सिकलेट टैंक में रहने वाली। जाओ भाई, ये गई भाई। और ये सबसे एक्टिव हमारी, ये मेरी सबसे फेवरेट, ये बाब फिश इस वाले टैंक में रहने वाली। जाओ भाई, ये देखो इसकी चमक देखो यार। इनको एक दोस्त बोलकर मैंने एक छोटा पोलर पैरेट भी ऐड कर दिया था, तो मैं अभी पोलर पैरेट में इनको ऐड कर देता हूँ। जाओ भाई। और ये बाकी छोटी साइज की चिलापी, ये भी मैं अभी ऐड कर देता हूँ हमारे सिकलेट के फिश के टैंक में। ये हमारे छोटे साइज की चिलापी फिश, तुम भी जाओ भाई यहाँ पे। ओहो, फाइनली दोस्तों हमने ये वाला जो टेबल था इसे ऐड कर दिया, ठीक है। और अभी यहाँ पे आने वाली हमारी टंकी एलिगेटर वाली, ठीक है। चल ध्रुव, अभी अपन क्या करते हैं, पहले टंकी लाते हैं फिर आगे का देखते हैं। चल भाई जल्दी चल, उठाओ भाई उठाओ हमारी बड़ी। हल्की यार ये बड़ी दिखती तो है बट हल्की है। चल भाई जान दे ध्रुव, तू ही उठा लेगा इसे। ध्रुव आराम से ना यार, नीचे तो देख, तू हमेशा ऐसे ही करता है यार। कुछ हेल्प लगे तो बोलना भाई। ओके, जान्दे 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 धीरे बॉस, तुम टंकी नीचे शिफ्ट करो, फिर मैं एलिगेटर नीचे शिफ्ट करूंगा। एक नीचे मत देखो, नीचे भाई डायरेक्ट जाएगी। आ गई, डन डन डन। ओके 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 ध्रुव, कम ऑन ध्रुव, को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। चल भाई चल 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 चल। ओके फाइनली दोस्तों हमने हमारी जो टंकी है सक्सेसफुली नीचे लैंड कर ली है। भाई इधर 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 ध्रुव, इधर इधर पहले इधर, अपने को पहले माप लेना होगा इसका। बस बस कितनी बड़ी दिख रही है यार ये। दोस्तों फाइनली हमने जो टंकी का नीचे का जो स्टैंड है ब्लॉक हमने रख दिए। भाई यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना होगा, इसके नीचे ना भाई हमारे रस्टी और सिम्बा ना घुस सके, ठीक है ना। रस्टी और सिम्बा नीचे चले गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है ना, क्योंकि टाके में पानी रहेगा और इतना पानी खाली करने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले पूरा ध्रुव एक भी कोना मत खुला रखो यार, नहीं तो ट्रस्टी सिम्बा नीचे गए तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी। ध्रुव मैं क्या बोल रहा हूँ, और एक ब्लॉक है ना वहां पे रख देते, क्योंकि लोड रहेगा ना पानी का। हाँ बीच में रख देते ना यार, और है ना अपने पास ब्लॉक। आने दे आने दे आने दे आने दे आराम से। ओए रस्टी, ओके बाज, अब एकदम परफेक्ट हो गया। तो फाइनल दोस्तों हमारा मॉन्स्टर फर्स्ट टैंक रेडी हो चुका है यार। यहाँ पे देखो यार कितना बड़ा और कितना खतरनाक दिख रहा है यार ध्रुव, ठीक है ना। ध्रुव अभी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, और दो ब्लॉक बचे यार, ठीक है ना। वो क्रैक है देख, कहाँ से सारे टूटे हुए भाई, वो क्रैक यार नीचे से। हाँ यार अगर हमें कुछ नहीं 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 नहीं, मैं उस अंकल को बोलूंगा, उन्होंने हमें दो दो जो ईंट है ना यार ये सीमेंट की, उसने यार क्रैक दे दी, ठीक है ना, उसको बोलूंगा मैं। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है भाई? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है भाई? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा। सिम्बा कैसा लग रहा है हमारा मॉन्स्टर टैंक? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ओए और एक भाई चीज हमें संभालनी होगी भाई, मैंने तूने सोचा क्या यार, ऊपर से नेट लगानी होगी, नहीं तो भाई सिम्बा और रस्टी भाई उनका कोई ये नहीं है भाई। दोस्तों अभी सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना पानी भर देते यार, ठीक है। ध्रुव चल नली पकड़, कैच ध्रुव, कैच ध्रुव, पकड़ यार उसको। तो हमारी ये वाली टंकी को भरने में अभी कंप्लीट एक घंटे से भी ज्यादा लगने वाला है, ठीक है ना। दोस्तों हमारी टंकी अभी इतनी भर गई कि हम यहाँ पे एलिगेटर गार आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्रुव चलना यार, क्या देख रहा है तू, चल ऊपर से जल्दी जल्दी, हम एलिगेटर अभी नीचे लेके आते हैं। इसी नेट से दोस्तों मैं हमारा एलिगेटर गार पकड़ने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि यार इससे ना उसे कोई दिक्कत भी नहीं होती और हमें भी दिक्कत नहीं होती। भाई खोलो यार जल्दी, तुम क्या कर रहे हो यार? ये देखो भाई ये इसे उठाने का, और ध्रुव इसे पकड़ पकड़ ध्रुव। ओके बॉस ये भी निकाल ले ध्रुव। ओके और दोस्तों ये जो वाटर लिली ना यार, इसे भी रखने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है, बट अभी नहीं रखनी यार, अभी हम है ना तो इसको उठाते हैं और हमारा जो बेबी पॉन्ड है ना गप्पी फिश का जो बेबी पॉन्ड है ना वहाँ पे शिफ्ट कर देते, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा सा अभी पूरा क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद दोस्तों हम एक दो दिन बाद यहाँ पे हमारी बड़ी वाली कोई फिश ऐड करने वाले है, जो कि बहुत सारे भाई कह रहे थे कि आप ऐड करो करो करो। तो अभी सबसे मुश्किल घड़ी मतलब हमारा जो एलिगेटर का आ रहा है उसको पकड़ना यार। कहाँ गया भैया ये यार, ये तो मुझे दिख नहीं रहा था यार। चल पकड़ भाई से बड़ा कर नेट को, डर तो लग रहा है यार बट कोई नहीं, चल रहा एक मिनट ध्रुव, तू ध्रुव नहीं नहीं ध्रुव ऐसा कर एक मिनट, आगे से ये कर तू, रुको मैं पीछे से, आगे से कर, ठीक है ठीक है, पकड़ता हूं। ओए ओए भाग भाग, भागा भागा भाई, जा आगे
ध्रुव गया गया भाई आ गया आराम से। तो दोस्तों हमने हमारे एलिगेटर गार को पकड़ लिया यार सक्सेसफुली। ध्रुव आराम से तू बहुत आराम से उतर है तभी वो शांत रहेगा। चल ध्रुव आराम से ध्रुव तू मैं क्या बोल रहा है इधर ही देख तू बाहर आ जाएगा। ये देखो इसने नेट फाड़ दिया यार ये। तो दोस्तों यार हमारे एलिगेटर मतलब कॉमर ने यार नेट ही फाड़ दिया यार। ध्रुव अभी क्या करते हैं नेट को पूरा ही फाड़ देते। ओ भाई निकल गया भाई फाड़ के फाड़ दिया यार पूरे नेट। देखो कितना बड़ा है होल कर दिया कुछ काम की नहीं रहा यार नेट इसकी ना यार। ये तीसरी नेट फाड़ दी यार इसने ठीक है ना। अपन ने एक बार पानी चेंज किया था तब ध्रुव तब दो नेट इसने फाड़ दिए यार। तो फाइनली दोस्तों मैंने हमारा जो कॉपर है वो यहाँ पे ऐड कर दिया उसके असली जगह पे। ओए देखो भाई कॉपर का कलर देखो यार पूरा काला हो गया है भाई। तो अभी ना दोस्तों अभी कॉपर तो आपको पूरा ब्लैक दिख रहा होगा ठीक है बट ये ना यार थोड़ी ही देर में ना यार ये इसका कलर चेंज कर लेगा ठीक है। अभी पूरा फेंट हो जाएगा और उसके ऊपर है ना इसे स्ट्रिप आ जाएगी ब्लैक कलर की। भाई हेलो कॉपर ये है हमारा द डेजी फिश का मॉन्स्टर फिश। वाओ कॉपर हेलो भाई ये मुझे पूरा पहचानने लगा है अभी ठीक है ना। ये देखो गया ये अभी ना उल्टा स्विम करेगा थोड़ी देर उल्टे स्विम करने के बाद ये फिर से आगे स्विम करेगा। और दोस्तों ये वाली जो टंकी ना यार ऊपर धूप में बहुत ज्यादा खराब हो रही थी यार अभी यहाँ पे अच्छी रहेगी ये टंकी और हमारा जो कॉपर है ना वो भी अच्छा रहेगा यहाँ पे क्योंकि हमें अभी आगे जाकर अभी समर का सीजन आने वाला है। तो समर के सीजन में क्या करना पड़ता था यार यहाँ पे हमें ना ऊपर से बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती थी ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं यार अभी ये घर में रहेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली ठीक है। हेलो कॉपर कैसा है भाई हमारे सेटअप में इसे आते हुए कंप्लीट अभी यार 3 साल तो हो ही जाएंगे यार। यार देखो ये कैसा उल्टा तैर रहा है अभी ऐसे ही तैरेगा यार ठीक है। उधर मत जाने दिया उधर के टेरेस पे चली जाएगी उधर चली जाती है यार ये दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों अभी हमने कॉपर तो नीचे शिफ्ट कर दिया तो अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप यार ये वाली जो वाटर लिली यहाँ से उठानी है और इसे पूरा क्लीन करना है यार पॉन्ड को ठीक है। तो चलो चलना अभी आना जल्दी। ओहो भाई इसमें अलगी देख यार कितनी जम चुकी है दोस्तों। ये देखो यार ये सारी की सारी अलगी यार। ओ भाई कितनी सारी अलगी यार ये। तो दोस्तों हमारे जो वाटर लिली है अभी मैं इनको इस वाले पॉन्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ आराम से। ध्रुव नीचे हमारी वाटर पॉपी भी यहाँ पे। ओके डन। चलो यार दोस्तों मैं अभी क्या करता हूँ ये वाला पूरा पॉन्ड क्लीन कर लेता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो बड़ा वाला पॉन्ड है ये तो मैंने अभी पूरा क्लीन कर दिया ठीक है। थोड़ा यार अलगी बच ही गया ठीक है ना। ये अलगी निकालने जाएंगे ना इसके साथ यार कलर भी निकल आएगा ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा बहुत रहने दो रहते देते ठीक है। और दोस्तों अभी हमें क्या करना है लास्ट प्रोसेस यहाँ पे सिर्फ पानी भरना है और बहुत जल्द यहाँ पे हमारी कोई फिश आने वाली है। और दोस्तों सारे भाई मेरी तरह कोई फिश यहाँ पे देखने के लिए एक्साइटेड हो तो यार सारे भाई यार वीडियो को लाइक कर देना ठीक है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलो यार दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना और कल हम यहाँ पे जरूर कोई फिश ऐड करने वाले।